भिंड में 75वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भिंड कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस का मुख्य समारोह में 8:58 पर मुख्य अतिथि का आगमन हुआ। प्रातः 9 बजे मुख्य अतिथि के द्वारा ध्वजारोहण और सुबह 9 बजे परेड का निरीक्षण किया गया। इसके बाद 9 बजे मुख्य अतिथि के द्वारा मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। इसके बाद मार्च पास्ट और अंत में अतिथि के द्वारा मुख्य अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार दिया जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए इस बार कोई रंगारंग कार्यक्रम नहीं हुआ। कार्यक्रम में भिंड कलेक्टर सतीश कुमार, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह, एएसपी कमलेश कुमार, डीएसपी हेडक्वार्टर अरविंद शाह के साथ कई अधिकारी मौजूद थे। इस बार भिंड में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधायक, सांसद, मंत्री कोई भी मौजूद नहीं रहे। संभावित कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए शहर के गणमान्य नागरिक और पत्रकार ही मौजूद थे। बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना की संभावित तीसरी लहर से सुरक्षा हेतु एक सुनियोजित रणनीति बनाते हुए समस्त आवश्यक तैयारियां की गई है। अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाना, ऑक्सीजन प्रबंधन, दवा इंजेक्शन और उपकरणों की उपलब्धता, मानव संसाधन का प्रबंधन तथा प्रशिक्षण एवं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पर विशेष फोकस किया गया है। प्रतिदिन अधिक से अधिक कोविड टेस्ट किया जा रहा है और संभावित संक्रमितों को आइसोलेट करने एवं गंभीर मरीजों के उपचार की व्यवस्था की गई है।